everyone, this is Nusrat. Chalo. Hey everyone, this is Nusrat and you are watching NKEDU here. बच्चों, आज के स्टूडियो में हम करेंगे एनसीईआरटी क्लास 10 चैप्टर 13 पॉइंट 2 सॉरी. हे एवरीवन, दिस इज नुसरत एंड यू आर वाचिंग NKEDU here. बच्चों, आज के स्टूडियो में हम करेंगे एक्सरसाइज 13.2 से क्वेश्चन नंबर 1. चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 क्या कहता है. क्वेश्चन पढ़ लेते हैं. क्वेश्चन 1 सेज हियर, क्वेश्चन 1 कहता है, अ सॉलिड इज इन द शेप ऑफ अ कोन स्टैंडिंग ऑन अ हेमिस्फीयर विद बोथ देयर रेडियाई बींग इक्वल टू 1 सेंटीमीटर एंड द हाइट ऑफ कोन इज इक्वल टू इट्स रेडियस. फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द सॉलिड इन टर्म्स ऑफ पाई. क्वेश्चन को समझते हैं. बच्चों, क्वेश्चन कहते हैं कि एक सॉलिड है, ओके, जो हेमिस्फेयर की शेप में है. अब देख सकते हैं, एक सॉलिड है जो हेमिस्फेयर के शेप में है, ओके. ये एक सॉलिड है जो एक हेमिस्फेयर के शेप में है, ये हेमिस्फेयर है. उसके ऊपर एक कोन सरमाउंटेड है, उसके ऊपर एक कोन सरमाउंटेड है, राइट. और इन दोनों की रेडियाई सेम है, दैट इज 1 सेंटीमीटर, ओके. और हाइट 1 सेंटीमीटर, रेडियाई भी 1 सेंटीमीटर है, ओके. दोनों की रेडियाई 1 सेंटीमीटर है और कोन की हाइट है 1 सेंटीमीटर. कोन की हाइट भी 1 सेंटीमीटर है, रेडियस भी 1 सेंटीमीटर है और यहाँ पे हेमिस्फेयर की रेडियस भी 1 सेंटीमीटर है. अब क्वेश्चन कहते हैं कि फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द सॉलिड इन टर्म्स ऑफ पाई. कि पाई के टर्म में हमें इस सॉलिड की वॉल्यूम निकालने हैं. बहुत इजी है, कुछ नहीं करने, सिंपली हमें इस कोन की वॉल्यूम और इस हेमिस्फेयर की वॉल्यूम को ऐड कर लेना है. इस सॉलिड, कंप्लीट सॉलिड की हमें वॉल्यूम मिल जाएगा. चलिए करके देखते हैं. पहले जो गिवन है उसे रिटर्न करेंगे. रेडियस कितनी है? 1 सेंटीमीटर. रेडियस दोनों की सेम है, हेमिस्फेयर और कोन दोनों की 1 सेंटीमीटर है. हाइट ऑफ कोन कितनी है? 1 सेंटीमीटर. द वॉल्यूम ऑफ द सॉलिड इक्वल्स टू वॉल्यूम ऑफ कोन. वॉल्यूम ऑफ सॉलिड, सॉलिड की जो वॉल्यूम है वो कोन और हेमिस्फेयर की वॉल्यूम के बराबर है. द वॉल्यूम ऑफ सॉलिड इक्वल्स टू वॉल्यूम ऑफ कोन प्लस वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फेयर. कोन की वॉल्यूम और हेमिस्फेयर की वॉल्यूम तो जब हम ऐड करेंगे तो हमें इस कंप्लीट सॉलिड की वॉल्यूम मिल जाएगा. नाउ वॉल्यूम ऑफ कोन क्या होता है? 1/3 पाई आर स्क्वायर एच प्लस वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फेयर 2/3 पाई आर क्यूब. अब हम देखेंगे दोनों में क्या कॉमन है, कौन कौन सी चीजें हैं जो दोनों में कॉमन है. हम देख सकते हैं कि पाई आर स्क्वायर दोनों में कॉमन है, सो हम पाई आर स्क्वायर को कॉमन ले लेंगे. क्या बच जाएगा? 1/3 एंड एच प्लस इसमें 2/3 एंड आर स्क्वायर तो हमने कॉमन ले ली है. क्या बचा? सिंगल आर, 2/3 एंड आर, ये कॉमन है. मीन्स आफ्टर टेकिंग कॉमन, कॉमन लेने के बाद ये आ जाता है. नाउ आर कितनी है, रेडियस कितनी है? 1 सेंटीमीटर. पाई इंटू रेडियस 1 है इसलिए 1 का स्क्वायर करेंगे. 1/3 इंटू हाइट कितनी है? 1 है, 1 रिटर्न करेंगे. प्लस 2/3 इंटू रेडियस कितनी है? 1 सेंटीमीटर है, 1 नोट डाउन करेंगे. यहाँ पे पाई की वैल्यू हमें नहीं रिटर्न करनी है क्योंकि पाई के टर्म में ही हमें इसका आंसर देना है, पाई के टर्म में ही, राइट. इसलिए पाई की वैल्यू हम यहाँ पे नहीं लेंगे. सो पाई इक्वल्स टू 1 1 जा 1 1/3 प्लस 2 1 जा 2 2/3. नौ पाई इंटू ब्रैकेट में सॉल्व करेंगे, कॉम एलसीएम लेंगे 3, 1 प्लस 2 ऐड करेंगे, देन पाई इंटू 1 प्लस 2 3, 3 डिवाइडेड बाय 3, 3 को 3 से कट करेंगे क्या आएगा? 1, 3 1 जा 3, 3 1 जा 3. पाई को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, पाई 1 जा पाई. जब हम पाई को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे देन वी विल गेट पाई सेंटीमीटर क्यूब. दिस इज द वॉल्यूम ऑफ दिस रिक्वायर्ड सॉलिड. इस सॉलिड का वॉल्यूम हमें मिल जाता है सिंपली कोन और हेमिस्फीयर के वॉल्यूम को ऐड करने पर, राइट. आई होप बच्चों आपको बहुत अच्छे ढंग से ये समझ में आ गया होगा. प्रैक्टिस करते रहिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ.